तो लाल भाजी इसको मार्केट से लेके लाए हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से लाल है ये, मतलब और देसी लाल भाजी है। तो हम इसको अब कट कर लेंगे बारीक। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका भी ब्लॉग एंड रेसिपी में। आज हम बनाने वाले हैं छत्तीसगढ़ की 36 भाजी में से एक और भाजी की रेसिपी, लाल भाजी की रेसिपी। तो इसको आप अच्छे से कट कर लेना है, उसके बाद धुलेंगे। और हम लोग तो छत्तीसगढ़ के रहने वाले, तो हमें भाजी वाजी बहुत पसंद होती है। तो अब इसको धुल लेंगे। ये देखिए, पहले इसको दो पानी तक धुलना है, क्योंकि छोटा छोटा पौधा है तो इसमें कंकड़ मिट्टी लग जाता है। और लाल भाजी तो मुझे बहुत ही पसंद है, और जब मैं लाल भाजी बनाती हूँ तो मेरे बच्चे भी बहुत चाव से खाते हैं। और आपको पसंद है कि नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और लाल भाजी खाने से हमारे शरीर को बहुत सी विटामिन मिलती है, और ये हमारी पाचन शक्ति बढ़ाने में भी लाभदायक है। तो अब इसको ऐसे जालीदार में रखेंगे जिससे हमारी एक्स्ट्रा पानी जो है वो छंट जाए। और ये देखिए, आलू को भी धुल लेंगे, थोड़ा सा पानी लिए हैं टब में, और आलू को भी अच्छे से साफ धुल लेते हैं। और उसी के ऊपर रख देंगे भाजी के ऊपर, दोनों को एक साथ भुनेंगे। अलग अलग भुनने की ज़रूरत नहीं होती है, दोनों एक साथ भुन जाती है। तो अब कढ़ाई चढ़ा देंगे, और कढ़ाई में तेल डालेंगे, 2 चम्मच तेल डालेंगे। भाजी में तो वैसे ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हरी मिर्ची डालेंगे, और इसको बीच से चीरा लगा के कट की हूँ मैं। और थोड़ा सा प्याज डालेंगे, इसको भी कट कर लिए हैं मस्त बारीक टुकड़ों में। तो ये देखिए, दोनों को अच्छे से लाल होने तक भून लेना है, और ज़्यादा इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती है। अब उसके बाद डालेंगे भाजी को, और भाजी को डालने के बाद इसको ढक देना है 5 मिनट के लिए। चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना है, क्योंकि चम्मच चलाने से गिरती है। तो ये देखिए, 5 मिनट में ही इसका पूरा पानी सूख के ख़त्म हो गया है, और भाजी जो है हमारा थोड़ा सा हो गया है। अब इसको फिर से ढक देंगे, और 2-3 मिनट बाद फिर खोलेंगे। और ये देखिए, हमारी भाजी अच्छे से पक के हो गई है तैयार, और इसके साथ साथ आलू भी पक गया है। तो ये देखिए, आलू को मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत अच्छे से गल गया है आलू भी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। तो अब इसको करेंगे साइड, और इसमें डालेंगे टमाटर को। तो टमाटर को डाल दी हूँ, इसको बारीक टुकड़े में कट किए हैं 2 टमाटर को। और इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हो। अब इसको ढक देंगे टमाटर को अच्छे से लाल भाजी के साथ, और थोड़ा सा डालेंगे हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच। और हल्दी पाउडर स्वाद के साथ साथ कलर भी लाता है, वैसे तो लाल भाजी खुद अपना कलर दे देता है। तो ये देखिए, दो से तीन मिनट बाद ये बहुत अच्छे से टमाटर भी गल गई है इसके साथ, और हमारी लाल भाजी बन के हो गई है तैयार। तो इसको चला लेते हैं अच्छे से चम्मच। तो ये देखिए कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और बहुत ही स्वादिष्ट लाल भाजी की सब्जी बनती हुई है तैयार, और मैं तो इसे चावल के साथ एंजॉय करने वाली हूँ। तो आपको अगर मेरा आज वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर